हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जिससे कि आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे बस अपने फेशियल मूवमेंट या तो फेशियल एक्सप्रेशन से। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, तभी आपको ठीक से समझ आएगा। अच्छा शुरू करता हूँ, मैं सनी और आप देख रहे डी टेक्नो बॉय। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम है ईवा फेशियल माउस। आपसे ज्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा मैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरा वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे टॉपिक्स थे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टेक वीडियोस बनाता रहता हूं स्पेशली हैकिंग से रिलेटेड, ताकि आपको हैकर से बचा सको। ऐप डाउनलोड हो चुका है तो चलिए इसे खोल लेते हैं। ऐप खुलते ही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और ये आपसे कहेगा कि ईवा फेशियल माउस को अनेबल करने के लिए सेटिंग्स पर जाके, तो इसे टर्न ऑन कर लीजिए। फिर ये ऐप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा, मतलब ये ऐप आपका फोन का क्या क्या यूज करने वाला है ये आपको बताएगा। तो ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। अभी नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो यहां आपको बता रहा है कि ईवा फेशियल माउस आपके फ्रंट कैमरे से आपके फेस डिटेक्ट करके एज ए माउस काम करता है। फिर ये आपको ईवा का कीबोर्ड यूज करने को रिकमेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ये डिफॉल्ट कीबोर्ड पर भी काम करता है। यहां आप ऊपर देख सकते हैं फ्रंट कैमरा ओपन हो चुका है और इसने मेरा फेस भी डिटेक्ट कर लिया है। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लीजिए। यहां आप माउस कर्सर का सेंसिटिविटी को खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने फेस के मदद से माउस कर्सर को कैसे कंट्रोल कर रहा हूं। अगर आपको कहीं पे क्लिक किया तो लॉन्ग प्रेस करना होगा, तो माउस कर्सर को एक जगह पर रोक दीजिए इस बटन पर क्लिक करके, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लीजिए। इसके साथ में ये ऐप दो स्क्रॉल बटन भी दे रहा है, ताकि हम बहुत ही आसानी से पेज भी स्क्रॉल कर सके। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते रहिए। फिर आप यहां लेफ्ट कॉर्नर में कुछ नेविगेशन बटन देख सकते हैं, जो कि हमें इस ऐप ने प्रोवाइड किया है, ताकि हम कुछ शॉर्टकट्स भी यूज कर सके। तो दोस्तों, ये ऐप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस ऐप को आप एक बार जरूर यूज करके देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा चलता हूं, फिर लौटूंगा नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पीस। Didn't even get to bronze.